की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, सिविल कोर्ट में गोली चल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पर फायरिंग की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलाम सरवर को गोली लगी है। वकीलों में फायरिंग के बाद नाराजगी देखी जा रही। कोर्ट के काम का बहिष्कार किया गया, एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। एक पिस्टल, दो कारतूस मौके से जब्त की गई। एसपी पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हुए। सिविल कोर्ट में पेशी के लिए कुख्यात अपराधी आए। विशाल सिंह को मारने पहुंचे अपराधी ने कई राउंड फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी जो भोजपुरवा निवासी गुलाम सरवर बताया गया। वारदात में कुख्यात विशाल की जान बच गई है। घटना के बाद सिविल कोर्ट के सुरक्षा बलों ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और हथियार को जब्त कर लिया गया है। सिविल कोर्ट परिसर में हुई वारदात के बाद वकीलों में भारी आक्रोश है। घटना की सूचना पाकर पहुंचे एसपी अवधेश दीक्षित ने एक अपराधी की गिरफ्तारी होने की पुष्टि कर दी है। एसपी ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुख्यात विशाल सिंह मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी नैन का रहने वाला है और इस पर दो दर्जन से अधिक मर्डर, रंगदारी, लूट के केस दर्ज हैं। गोपालगंज से सिविल कोर्ट के पास से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पहले न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार से बातचीत करेंगे। गोविंद, क्या अपडेट है इस वक्त, कोर्ट परिसर की क्या हालात है? देखिए, इस वक्त वारदात के बाद जो घायल थे गुलाब हुसैन, उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गोपालगंज के जो एसपी है अवधेश दीक्षित, वो भी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। वकीलों के अलावा जो जजेस हैं उनसे बातचीत लगातार चल रही है। वकीलों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक वे लोग न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे, लेकिन एसपी ने भरोसा दिलाया कि कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी और सख्ती से लोगों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही प्रवेश करने की अंदर अनुमति दी जाएगी। लेकिन एक और जो बड़ी बात है उसमें ये कहा गया है कि जो कुख्यात विशाल सिंह है, जिसे चनामे जेल से गोपालगंज सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, उसे भी हल्की फायरिंग में चोट आई है। तो विशाल सिंह को और गुलाब हुसैन को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहाँ से गुलाब हुसैन जिसके पेट में गोली लगी है इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गुलाब हुसैन किसी कार्य से कोर्ट में आया था, वो निर्दोष है, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी की गई है, जो अपराधी की, उससे भी पुलिस टीम लगातार पूछताछ कर रही है कि उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, किन लोगों से दुश्मनी थी। विशाल सिंह की हत्या की साजिश कोर्ट परिसर में ही क्यों रची गई थी, चूंकि विशाल सिंह कुख्यात अपराधी है और उसके ऊपर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 8 से 10 तकरीबन हत्या के मामले दर्ज हैं। तो इस कुख्यात अपराधी को जब कोर्ट परिसर में लाया गया तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं थी, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है और वकील लगातार जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट परिसर में मेटल डिटेक्टर जो है उसे भी एक्टिव किया जाएगा, एक एक व्यक्ति की जांच की जाएगी, उसके बाद ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो एसपी ने वकीलों से न्यायिक कार्य को शुरू करने की अपील भी की है और लेकिन वकील जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो एसआईटी का एक भी गठन किया गया, जो एसआईटी जो अपराधी है विशाल सिंह को मारने के लिए पहुंचा था हमलावर, उसके बारे में भी एसआईटी जांच कर रही है और कई बिंदु पर इस वक्त जांच चल रही है। वाकई गोविंद, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखे, कई पहलुओं पर जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त तो बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज के सिविल कोर्ट के पास एक कुख्यात अपराधी को गोली मारने के लिए पहुंचे बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि एक बदमाश को अरेस्ट कर लिया गया। गोपालगंज के पुलिस कप्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं। सर, ये पूरी घटना क्या है? गोपालगंज कोर्ट परिसर में अभी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा गोली चलाया गया था और गोली जो जिसके ऊपर चला है वो विशाल सिंह नाम का एक कुख्यात अपराधी है। इसका ये गोपालगंज शहर का सबसे बड़ा अपराधी रहा है अपने टाइम का और इसका कुछ लोगों से विवाद भी चल रहा है। तो उसी में 4 लोग आए थे, इन लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उसका हथियार वगैरह भी पकड़ा है और इसमें से 2 लोगों को गोली लगा है। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाया जाए, पत्रकारों वकीलों की सुरक्षा बढ़ाया जाए, इस संबंध में डीएम साहब को सोमवार को आवेदन भी दिया था, मोहनीश कुमार शाही प्रदेश सचिव। क्या घटना, क्या दरअसल बिहार घटना, कैदी आए थे ना विशाल सिंह जी के, कैदी लेकर, कैदी आया था कोर्ट में, उसको लेकर के सिक्योरिटी में लाया गया था, पुलिस सिक्योरिटी में और कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए, और उसी समय यहाँ पर कोर्ट के गेट के अंदर जो यहाँ है परिसर में वहीं पर उसको गोली मारी गई है, 2 आदमी घायल हो गए हैं
और जो जो लिटिगेंट है उसके लिए और वकीलों के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए ये बहुत ही चिंता की बात है। मेरा नाम जानकी शरण पाठक। तो वकीलों में खासकर नाराजगी है क्योंकि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की जा रही है। कोई पहला मामला नहीं है कि सिविल कोर्ट में इस तरह की वारदात हुई है। हालांकि गोपालगंज के एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो है कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो भी इसमें दोषी है, जो भी अपराधी शामिल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्कूल बस ने महिला को